नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, जय श्री बालाजी की, जय श्री बालाजी की। हनुमान जयंती के शुभ पावन पर्व पर सभी मित्रों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हनुमान जयंती कब है और हनुमान जयंती पर क्या विशेष व्रत विधि उपाय क्या करना चाहिए। इस विषय में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हनुमान जयंती कुछ लोग 7 तारीख को मना रहे हैं, कुछ लोग 8 तारीख को मना रहे हैं। हमेशा जो सूर्य उदय होते समय जो तिथि होती है वही मान्य होती है, इस बात को हमेशा के लिए आप समझ लीजिए। 7 तारीख को पूर्णिमा तिथि दोपहर में 12 बजे शुरू होती है, 12:01 पर, और 8 अप्रैल 2020 को सुबह 8:05 तक पूर्णिमा की तिथि रहेगी। तो जो पूर्णिमा का बड़ा ही कम समय है, इस बार पूर्णिमा तिथि के अंदर ही हनुमान जयंती मनाई जाती है और हनुमान जी का जो जन्म हुआ है वो चैत्र मास की पूर्णिमा को हुआ है। तो सही जो हनुमान जयंती है वो 8 अप्रैल 2020 को यानी बुधवार के दिन मनाई जाएगी, और सुबह यदि हो सके तो 8 बजे से पहले पूजा पाठ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहम कोई नहीं है, क्योंकि जो सूर्य व्यापनी तिथि रहती है वो पूरा दिन रात मानी जाती है, पूरा दिन मानी जाएगी। तो हनुमान जयंती 8 अप्रैल 2020 बुधवार के दिन आपने मनाना है, और आपने जो व्रत करना है वो भी आपने 8 अप्रैल को ही करना है। पूर्णिमा का व्रत करते हैं बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग हनुमान जी का जो जन्मदिन पर अपना फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं। तो हनुमान जयंती पर इस बार विशेष आप क्या करें, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते हुए देश के अंदर बिल्कुल बंदी चल रही है, बिल्कुल बंद के हालात हैं, कर्फ्यू लगे हुए हैं, जगह जगह के ऊपर बिल्कुल रोड जाम है, आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो घर में रहते हुए क्या उपाय करें कि जिससे मन को संतुष्टि भी मिले और हनुमान जी महाराज हमारे सभी संकटों को दूर भी करें और हमारे देश के ऊपर, इस दुनिया के ऊपर जो संकट आया हुआ है वो भी हम दूर करने के लिए प्रार्थना कर सकें। तो बात कर रहे हैं कि 8 अप्रैल को प्रातः काल स्नान ध्यान कर लीजिएगा, शुद्ध रहिएगा, हो सके तो एक दिन पहले आपने शराब, नॉनवेज और स्त्री का जो सहवास, जो संबंध है वो भी आपने बिल्कुल अवॉइड करना है, नहीं करना। दूसरी बात, 8 अप्रैल को प्रातःकाल स्नान ध्यान करके यदि हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें, जल्दी उठें, और प्रातःकाल जल्दी उठ करके आपने सर्वप्रथम आपने अपने हाथों की हथेलियों को देखना है। कराग्रह वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्य स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम, जिन्हें ये मंत्र आता है वो ठीक है, नहीं आता तो हाथ को देख के, हाथ के आगे लक्ष्मी जी का वास है, मध्य में माँ सरस्वती जी का और मूल में ब्रह्मा जी का वास है, ऐसा आपने प्रार्थना करते हुए, ध्यान करते हुए, ईश्वर का माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए आपने पृथ्वी पर पांव रखना है, और उसके पश्चात धरती माता को नमस्कार करके स्नान ध्यान करें, नित्य क्रिया करें, और चाय पानी की जो भी व्यवस्था है वो व्रत के जो भी आगे पूजा के पश्चात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ लोगों को रहता है सुबह जल्दी उठ के बैटरी चाहिए होती है, तो जो आपकी इच्छा है वो आप चाय वगैरह लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, लेकिन अच्छा रहता है कि अगर आप स्नान ध्यान करके पहले भगवान की पूजा पाठ करें उसके पश्चात व्रत वगैरह करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो आपकी अपनी अपनी श्रद्धा की बात है, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी, हनुमान जयंती पर माँ अंजना के पुत्र हनुमान जी और पवन पुत्र हनुमान जी, जो हनुमान जयंती के दिन दोस्तों जो इस दिन विशेष आपने क्या करना है, स्नान ध्यान हो गया, स्नान ध्यान होने के पश्चात में आपने प्रातः घर में ही रहते हुए बाहर नहीं जाना, लॉकडाउन नहीं तोड़ना, कर्फ्यू में बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, कोई बाहर से सामान खरीदने की जरूरी नहीं, बिल्कुल सब सामान घर में मिल जाएगा। तो इस बार विशेष रूप से हनुमान जयंती घर में रहते हुए कैसे मनाएंगे, घर में क्या गंगा जल मिल जाएगा आपके पास, जिनके पास गंगा जल है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो शुद्ध जल, ताजा जल ले लीजिएगा, शुद्ध जल ताजा जल एक चौकी के ऊपर छींटे लगाएं, हो सके तो गंगा जल के छींटे लगाएं लकड़ी की चौकी पे, घर में कोई लाल कपड़ा है तो बहुत अच्छी बात है, और चौकी नहीं है तो आप थाली ले लीजिए, थाली के अंदर घर में सिंदूर है, रोली है, चावल है, सुपारी है, लौंग इलायची है, धूप अगरबत्ती है, देसी घी है, जोत जलाने के लिए तिल का तेल है, जो जो व्यवस्था घर में बनती है उसी से आपने सामान्य पूजा कर लेनी है।
जो घर में किसी के पुष्प लगे हुए हैं तो थोड़े पुष्प भी तोड़ लीजिएगा, घर में हरी घास लगी हुई कहीं पे आसपास में तो हरी घास ले लीजिएगा, लेकिन घर से बाहर नहीं जाना, घर में रहते हुए ये सब करना है, क्योंकि सरकार ने जो नियम बनाए हैं कुछ सोच समझ के बनाए हैं, सरकार के नियमों का पालन करते हुए हमने हनुमान जयंती को घर में रहते हुए इस बार सेलिब्रेट करना है, मनाना है। तो सबसे पहले आपने जो हनुमान जयंती पर इस बार विशेष रूप से, अगर और कुछ भी नहीं होता तो एक देसी घी का दीपक जलाएं, और किसी के देसी घी भी नहीं है किसी के पास में तो आप सरसों का तेल का दीपक जला सकते हैं, वो नहीं तिल का तेल का दीपक जला सकते हैं, चमेली के तेल का दीपक जला सकते हैं, जो भी आपके पास किसी भी प्रकार का ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल्स है, आप उसका एक दीपक जला सकते हैं, और दीपक की बत्ती का मुंह यदि हो सके तो पूर्व दिशा की तरफ करके, और अपना मुंह भी आपने पूर्व दिशा की तरफ सूर्य उदय की तरफ करके बैठ जाना है। नीचे यदि हो सके तो आसन बिछा लेना है और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करनी है, हे हनुमान जी महाराज, मेरे जो संकट है, जो रोग है, जो दोष है, जो दुख है, तकलीफ है, जो मेरी पार्टनरशिप में कोई परेशानियां आ रही है, जो मेरे कोई घरेलू मेरे जो माता पिता को कोई परेशानी आ रही है, मेरे संतान को कोई परेशानी आ रही है, मेरी बुद्धि जो खराब हो रही है, आप इसे ठीक करें, इन सब चीजों को ठीक करें, मेरी जो एजुकेशन में अड़चने आ रही है इसे आप दूर करें, जो भी आपकी विश्व शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, रोग ऋण परेशान कर रहे हैं, वैवाहिक जीवन खराब चल रहा है, बार बार एक्सीडेंट होते हैं, रोग चोट लगती है, तो आप इस दिन आप प्रार्थना कर सकते हैं हनुमान जी को, और यकीन मानिए हनुमान जी महाराज इतने पावरफुल हैं, कलयुग में मतलब हनुमान जी लाइव हैं, आप यकीन मानिएगा। देखिए इसका उदाहरण एक तरीके से और देता हूं, रामायण में हनुमान जी महाराज ने पूरा रोल प्ले किया था, पूरे रामायण में मुख्य पात्र थे हनुमान जी, और रामायण के हजारों साल बाद में दूसरे युग में महाभारत आती है, तो महाभारत के अंदर आप देखिएगा वहां पर भी हनुमान जी महाराज ने अर्जुन को दर्शन दिए, उनकी विजय प्राप्ति की कामना की, उनको आशीर्वाद दिया और उनको अपना झंडा लगाने के लिए, जो पूरी एक स्टोरी है, यहाँ की महाभारत में हनुमान जी महाराज ने भीम की भी परीक्षा ली। हनुमान जी बिल्कुल कलयुग में लाइव हैं, आप हनुमान जी की पूजा करें, प्रार्थना करें, इससे आपको बहुत ज्यादा शक्ति मिलेगी, बहुत पावर मिलेगी। एक मंत्र है, दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, दोबारा बोल रहा हूँ, ये चौपाई है रामायण में, दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस मंत्र का यदि आप घर बैठ के हनुमान जयंती के दिन 8 अप्रैल बुधवार के दिन प्रातः काल यदि एक माला फेर लें, या 108 बार वैसे हाथ पे काउंटिंग कर लें, या एक घंटा कम से कम आप इस मंत्र का जप कर लें, यकीन मानिए बड़े से बड़ा संकट जो होगा वो भी खत्म हो जाएगा। और नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, बड़े से बड़ा रोग है, बड़े से बड़ा कष्ट है, उसको खत्म करने के लिए। बजरंग बाण, जो कोई बंधन में है, कोई आपका पारिवारिक कोई दोस्त मित्र रिश्तेदार कोई बहुत बड़े संकट में है, किसी बंधन में जकड़ गया है, या किसी प्रकार का कोई ब्लैक मैजिक हो गया किसी के ऊपर, या वो किसी और किसी बड़े संकट में घिर गया है, या उसकी बुद्धि खराब हो गई है, तो उसके लिए आज आप 11 बार बजरंग बाण का पाठ जरूर पढ़ें। बजरंग बाण हनुमान चालीसा में एक पार्ट आता है बजरंग बाण, वो आप देख लीजिए, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, और जो कुछ लोग नहीं पढ़ सकते जिनके देश विदेश में दूर जगह है, वो ऑनलाइन आप गूगल के ऊपर भी आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल जाएंगे, आप सुन सकते हैं। जो बुजुर्ग है घर में, अभी कोरोना के करके भी मान के चलिए घर में बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि हम बिल्कुल खाली हो गए, कुछ काम चाहिए, तो आपका संकट भी दूर हो जाएगा, आपकी बोरियत भी दूर हो जाएगी। करना क्या है, एक नई कॉपी किताब घर में कोई रखी होगी लगा लीजिएगा, और उसमें जय श्री राम लिखना है आपने, और एक वर्ष तक पूरा आपने ये रोज एक पेज लिखना है जय श्री राम का। अब इसमें आपकी इच्छा कि आपके पास अगर किताबें ज्यादा हैं तो आप जितने पेज आपसे लिखे जा सकते हैं जय श्री राम, लाल पेन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो भी लाल हरा काला पीला जो मिल जाए आप जय श्री राम लिखना शुरू कर दीजिए। जय श्री राम जो लिखेंगे आप एक वर्ष तक, आप ये करते जाइए, यकीन मानिएगा
आपके घर का माहौल चेंज हो जाएगा, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, मन को बड़ी शांति मिलेगी। दूसरी बात, आज आप संकल्प ले सकते हैं हनुमान जयंती के दिन कि किसी गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए आप पैसा खर्च करने का संकल्प ले सकते हैं, किसी रोगी व्यक्ति की दवाई पर पैसा खर्च करने का आज आप संकल्प ले सकते हैं। जैसे माहौल ठीक होगा, जैसे ही पैसे आएंगे, मैं ये काम करूंगा या करूंगी। तो आज आप हाथ में जल लीजिएगा थोड़ा सा, और आज आपकी कोई मनोकामना ऐसी रुकी हुई है बहुत समय से, तो वो मनोकामना हनुमान जी महाराज के आगे प्रार्थना कीजिएगा कि हे बालाजी महाराज, आज ये 8 अप्रैल बुधवार के दिन आज आपका हम ये पूजा पाठ करते हुए मैं संकल्प लेता हूँ, या मैं संकल्प लेती हूँ अपना नाम बोल के, अपना माता पिता का नाम बोल के, और इस अभिष्ट कार्य के लिए, इस मनोकामना के लिए मैं ये उपाय कर रहा हूँ, और मैं ये उपाय, ये सब कुछ ठीक हो जाए, थोड़ा माहौल ठीक हो जाए, तो जैसे ही मौका मिलेगा मैं करूँगा या करूँगी। जिसके अंदर आपने कोई स्टूडेंट की एजुकेशन का काम करना है, या आपको बहुत ज़्यादा जैसे डिप्रेशन स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, तो आज 108 आप पेड़ पौधे लगाने का संकल्प ले सकते हो, 108 फलदार वृक्ष लगाने का संकल्प ले सकते हो। आज आप किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने का संकल्प ले सकते हो, किसी गरीब कन्या की विवाह का संकल्प ले सकते हो, या किसी और जरूरतमंद रिश्तेदार दोस्त मित्र की हेल्प करने का संकल्प ले सकते हो, या आप इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है, तो आप किसी के डिप्रेशन को, किसी के स्ट्रेस को, किसी के परेशानी को दूर करने के लिए आज आप संकल्प ले सकते हो, अपने आप से वादा कर सकते हो, अपने आप से प्रॉमिस कर सकते हो। इस तरीके से आप हनुमान जयंती के ऊपर आप कुछ नया कीजिएगा, जिससे आपका पूरा साल गुड लक बन जाए, पूरा साल अच्छा हो जाए, आने वाली पीढ़ियों तक आपको बेनिफिट मिले इस उपाय का। दूसरी बात, घर में थोड़ा सिंदूर रखा होगा, तो आप हनुमान जी को आज देसी घी में सिंदूर मिला के, घर में ही जो मूर्ति है, घर में हनुमान जी का स्थान बना हुआ है, वहां पे आप अपने हाथ से लेप कीजिएगा, और शुद्धिकरण तरीके से देसी घी का दीपक जलाइएगा। घर में मिश्री या पताशे रखे होंगे तो उनका भोग लगाइए, ड्राई फ्रूट हो तो ड्राई फ्रूट का भोग लगाइए, और कुछ नहीं मिलता तो घर में बिस्किट का पैकेट होगा उसका भोग लगा दीजिए। गुड़ मिल जाए तो सोने में सुहागा, गुड़ और चना हो जाए तो सोने में सुहागा, गुड़ और चने का हनुमान जी को भोग लगा दीजिए। आज आप संकल्प ले सकते हैं कि मैं पक्षियों की सेवा करूंगा, बंदरों को गुड़ चना डालूंगा, इसका आज आप संकल्प अपने आप से आज प्रॉमिस कर लीजिए। जैसे लॉकडाउन ओपन होगा, जैसे माहौल ठीक होगा, तो आप बाहर जाकर के ये उपाय बाद में भी कर सकते हैं। तो आज आपने ये जो उपाय हैं, ये बहुत ही कारगर उपाय है नारायण जी, बहुत लाभ देने वाले उपाय है, और हनुमान जयंती पर आप व्रत कर सकते हैं। व्रत के अंदर आपने क्या होता है, ज्यादातर तो लोग इसमें सिर्फ 2 समय या 3 समय फल ही लेते हैं, कुछ लोग अगर आप चाहते हैं तो 1 समय भोजन कर सकते हैं। गुड़ का चूरमा बना करके पहले हनुमान जी को भोग लगता है, इसके बाद में आप घर में खुद खा सकते हैं। और 1 समय का भोजन का मतलब अनाज 1 बार खाना होता है, और बाकी समय आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फल ले सकते हैं, चाय दूध ले सकते हैं, बाकी जिसमें अनाज हो ऐसी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, नहीं लेना चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो आपका हनुमान जयंती का जो दिन है, इस दिन जो आपकी माता है, या माता के समान जो महिला है, मासी है, ताई है, चाची है, या ऐसी कोई लेडीज है जो आपके माता के समान है, आज आप उनकी प्रॉपर रिस्पेक्ट करें, उनकी इज्जत करें। आज आप माँ से, अगर पिता से नहीं मिल पा रहे दूर देश विदेश में, तो फोन पे बात करें। माता पिता के लिए हनुमान जी महाराज ने बहुत बड़ी तपस्या की है। हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के तो भक्त थे ही थे, लेकिन अपने माता पिता के बहुत बड़े भक्त थे हनुमान जी महाराज, और थे क्या है लाइव, माफ कीजिएगा, हनुमान जी महाराज माता पिता के बहुत बड़े परम भक्त हैं। तो इसलिए आज के दिन जो माता पिता की सेवा करेगा, माता पिता की जो केयर करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, इज्जत करेगा, उस पर तो हनुमान जी की विशेष कृपा रहती है। हाँ, जिनको शनि की साड़सती है, वो लोग जरूर आज के दिन आप घर में हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ पढ़ने का संकल्प ले लीजिएगा। या आज आपको कोई फाइनेंशियली कोई क्राइसिस चल रहे हैं, बहुत परेशानियां चल रही हैं जीवन में, तो 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प लीजिए। चाहे आज पूरे दिन में, रात में हो जाए, तो सबसे बढ़िया पति पत्नी मिलके पढ़ सकते हैं, बहन भाई मिलके पढ़ सकते हैं, बेटा बेटी या घर के सदस्य आपस में मिलकर के 108 पाठ कंप्लीट कर सकते हैं। और आज अगर इकट्ठे पूरे नहीं होते तो आज आप 11 पाठ कीजिए, बाकी धीरे धीरे आप ऐसे रोटेशन बना करके, या रूटीन बना करके आप इसको 108 पाठ या 1008 जितने भी आप संकल्प ले सकते हैं, आप हनुमान चालीसा का संकल्प ले लीजिए।
और मैंने पहले भी मंत्र बताया, दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, इस मंत्र का बार बार जाप कीजिएगा, बड़े से बड़े संकट रोग दोष दुख तकलीफ आपकी दूर हो जाएगी, यकीन मानिएगा। तो हनुमान जयंती पर इस तरीके से छोटे छोटे उपाय करके आप घर में रहते हुए, अपने आप को लॉकडाउन रखते हुए, अपने आप को घर में रखे हुए भी आप सारे उपाय घर में बैठ के भी कर सकते हैं। और मान लीजिए आपके पास कोई चीज नहीं है तो सिर्फ एक लोटा पानी का भरिएगा, हनुमान जी महाराज का ध्यान कीजिएगा, पूर्व दिशा की तरफ मुख कीजिएगा और हनुमान चालीसा ऑनलाइन सुन सकते हैं, गूगल पे सुन सकते हैं, यूट्यूब पे सुन सकते हैं, या आपको याद है तो हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके और जय श्री राम का नारा बोल दीजिएगा, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, इस प्रकार से आप नारा घर में लगा लीजिएगा तो आपके अंदर एक नई एनर्जी, नई एक ऊर्जा का जो है आपके अंदर एक आह्वान होगा, आपके अंदर एक शरीर में प्रवेश करेगी नई ऊर्जा, तो इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और आप कहीं भी हैं तो देश विदेश में या अकेले हैं या बाहर है, जहां पर भी आप हैं ईश्वर का ध्यान करके हनुमान जयंती को मनाइए, बहुत ज्यादा आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो नारायण जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को जरूर आगे भेजिएगा और नारायण एस्ट्रो इंडिया हमारा जो यूट्यूब चैनल है आप वहां पर भी आप हमें सब्सक्राइब करके नए नए एपिसोड रोज देख सकते हैं। तो मिलते हैं नारायण जी एक नए विषय के साथ। नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी।